यूपी की यादव छोरी ने पीएम मोदी के दिल में बनाई ऐसी जगह की सोते जागते प्रधानमंत्री करते हैं याद और हर पल सताती है फिक्र। ऐसे यादव बिटिया ने अपनी प्रतिभा से हर किसी को चौंकाया, लेकिन पीएम मोदी को तो अपना मुरीद बना लिया। कभी पीएम करते हैं फोन पर बात तो कभी मिलने भी बुला लेते हैं। देखिए कौन है ये यादव बिटिया जिसके लिए बेचैन रहते हैं पीएम मोदी और क्या है खास रिश्ता। इस बिटिया की उपलब्धियां सुनकर आप दंग रह जाएंगे। यूपी के युवाओं का जलवा और उनके हुनर की गूंज अब 7 RCR में भी सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तर प्रदेश के दीवाने हो गए हैं। एक तो वो यहाँ से सांसद हैं, लेकिन दूसरे तरफ यूपी की एक यादव बिटिया ने उनका दिल जीत लिया है। इस यादव बिटिया ने अपने हुनर का ऐसा जलवा दिखाया है कि पीएम मोदी को भी सैल्यूट पेश करना पड़ा। और हालात ये हैं कि अब पीएम मोदी इनसे कभी फोन पर बात करते हैं तो कभी मिलने बुला लेते हैं। जब खिलाड़ियों की कतार पीएम मोदी से मिलने जाती है तो पीएम खास तौर पर पूछते हैं कि यूपी वाली यादव बिटिया आई है कि नहीं आई है। ऐसे में हर किसी का सवाल है कि आखिर ये बिटिया है कौन। तो चलिए फिर इनसे परिचय आपका भी करवा देते हैं। इस बिटिया का नाम है आदित्य यादव। आदित्य जन्म से ही डेफ यानी सुन और बोल नहीं सकती। वर्ल्ड डेफ डे के मौके पर इस बार 23 सितंबर को दुनिया भर के मूक बधिर लोगों को जागरूक और प्रेरित करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें अलग अलग क्षेत्रों में अपना विशेष योगदान देने वाले खिलाड़ी, आर्टिस्ट, साहित्यकार शामिल हैं। ऐसे में गोरखपुर में भी कई आयोजन हुए। इनमें VRD मेडिकल कॉलेज स्थित CRC सेंटर पर ऐसे ही विशिष्ट लोगों को सम्मानित किया गया। इनमें प्रमुख रूप से बैडमिंटन खेल के क्षेत्र में आदित्य यादव का नाम भी शामिल है। इन्हें भी आमंत्रित किया गया था। आपको बता दें कि आदित्य ने डेफ ओलंपिक में मात्र 14 साल की उम्र में मेडल जीतकर सनसनी मचा दी थी। आदित्य अब तक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित हो चुकी हैं। 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। खिलाड़ी और कोच दिग्विजय यादव और हाउसवाइफ मां की संतान का आदित्य ने देश भर में नाम रोशन किया है। मात्र 16 साल की उम्र में आदित्य कई मेडल और अवार्ड जीत चुकी हैं। मेडल की संख्या इतनी ज्यादा है कि उन्हें एक कमरे में रख पाना मुश्किल हो जाता है। जब इस बिटिया से बात की गई तो आदित्य ने बड़े ही मासूमियत से अपनी सांकेतिक भाषा में बताया कि जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली तो उन्होंने पूछा कि कैसी हो, आपका खेल मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप अपनी माताजी से मेरी बात करवाओ। इसके अलावा जब भी प्रधानमंत्री खिलाड़ियों से मुलाकात करते हैं उस दौरान ये जरूर पूछते हैं कि गोरखपुर की आदित्य आई है या नहीं। आदित्य अपनी सफलता का सारा श्रेय अपने पिता और कोच दिग्विजय यादव को देती हैं, जो रेलवे में कार्यरत हैं। पिता दिग्विजय कहते हैं कि जब बेटी 1.5 या 2 साल की हुई तो पता चला कि वो बोल और सुन नहीं सकती। ये जानकर हमें बेहद निराशा हुई। अंत में मैंने सोचा कि इसे भी अपनी ताकत बनाऊंगा। मुझे इसके लिए प्रेरणा पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी राजीव बग्गा से मिली, जो खुद भी डेफ होते हुए बैडमिंटन चैंपियन थे। धीरे धीरे मैं आदित्य को अपने साथ स्टेडियम ले जाने लगा। तब वो मात्र 4 साल की थी। अपने भाई के साथ जब बेटी ने पहली बार रैकेट पकड़ा तभी मैंने जान लिया था कि ये आगे जाकर बहुत कुछ कर सकती है। आगे की जंग शुरू हुई और आदित्य को लगातार अभ्यास कराया जाता रहा। बेटी की मेहनत और लगन को देखकर ऐसा लगता था कि वो इसी के लिए बनी है। परिणाम अब सबके सामने है। बता दें कि आदित्य ने 2022 के दौरान ब्राजील डेफ ओलंपिक में लगातार 3 मेडल जीतकर सनसनी फैला दी थी। पूरी दुनिया अब आदित्य के खेल कौशल और उनके नाम से परिचित हो चुकी थी। स्वदेश लौटने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदित्य को सम्मानित किया। इसके बाद आदित्य ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एशिया पैसिफिक खेलों में 5 मेडल, 2023 में वर्ल्ड यूथ डेफ चैंपियनशिप में सिंगल और टीम इवेंट से मिलाकर 2 गोल्ड समेत कुल 5 मेडल जीते थे। इसके अलावा कई इंटरनेशनल और नेशनल प्रतियोगिता में आदित्य ने मेडल जीते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो सामान्य वर्ग में भी पार्टिसिपेट कर शुरुआत में क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फिर फाइनल तक पहुंची है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।